पिछली बार के मुकाबले मरीज बहुत ज़्यादा हैं और हमें बहुत मुश्किल हो रही है, जबकि हमने पिछली बार के मुकाबले 4 गुना बिस्तर कर दिए हैं अपने अस्पताल में जो कोविड के मरीजों के लिए डेडिकेटेड हैं। फिर भी हम सारे मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और कई पेशेंट्स को हमें भेजना पड़ रहा है घर पे ही ध्यान रखने के लिए, और हम बाद में बुला रहे हैं उनको कि जिससे उनकी केयर कर सकें। सबसे ज़्यादा मरीज़ ज़्यादा एज के ही दिख रहे हैं, और जिनको शुगर है या जिनको बीपी की दिक्कत है या जिनको और परेशानियां हैं, उन्हीं को साथ में कोविड भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इस बार हम ज़्यादा बुखार का प्रकोप ज़्यादा देख रहे हैं, खांसी कम देख रहे हैं। पहले हम ये बोलते थे कि जिन लोगों को जुकाम है उन लोगों को कोविड नहीं होता, अब की बार हम देख रहे हैं कि कोविड उन लोगों में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है जिनको जुकाम या और तरह बदन दर्द की दिक्कत है, सिर्फ फीवर और खांसी के सिम्टम नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जो ये स्ट्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, ये बहुत तेज़ी से संक्रमण कर रहा है क्योंकि ये हवा के ज़रिए से फैल रहा है। सब कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने लोगों को घर पे मैनेज किया जा सके उनकी जांचें करा के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर वो खतरे से बाहर हैं तो उन्हें घर पे ही भेज रहे हैं, जो सस्पेक्ट हैं उनकी जांच करा के उन्हें घर भेज रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं को भर्ती कर रहे हैं जिनके अंदर आईसीयू या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का चांस है। तकरीबन जितने भर्ती हैं उतने ही लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। हर तीसरे मिनट हमें कहीं ना कहीं से फ़ोन आ रहा है किसी के थ्रू, जिससे कि वो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें भर्ती कर लिया जाए, पर हमें देखना पड़ रहा है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी को भर्ती करें। और डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की क्या हालत चल रही है पूरे प्रदेश में? ऑक्सीजन की क्राइसिस भी हो रहे हैं? नहीं, हमारे ऑक्सीजन के सप्लायर जो है वो सही से सप्लाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन के रेट्स पहले बढ़ गए थे पिछली बार ही जब कोविड का हुआ था, वो अभी तक बढ़े हुए ही हैं, पर वो मेरे ख्याल है प्रशासन देख ही रहा है उस चीज़ को, तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत अभी तक हमें नहीं दिख रही। तो साइकोलॉजिकली कैसे टैकल कर रहे हैं पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल जो है उसके लिए भी कुछ इस तरीके का कर रहे हैं? देखिए, पिछले एक साल में कोविड पर बहुत रिसर्च हुई है और ये बात सामने आई है कि फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम जो है वो शारीरिक अपने आप को फिट रखना जो है वो सबसे सबसे बड़ी वैक्सीन कह लीजिए या सबसे बड़ा इलाज है इसके खिलाफ कोविड के, तो सब लोगों को यही करना चाहिए। दूसरा, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि ये एयरबॉर्न हो गया है इसलिए मैं तो कहूँगा कि एक की जगह दो मास्क भी लगाएं तो कोई गलत नहीं होगा।